नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने ई मंडी पोर्टल कृषि उपज मंडी जो है वेबसाइट लॉन्च की है दोस्तों, न्यू पोर्टल लॉन्च किया है। तो आप घर बैठे जो है पंजीयन कर सकते हैं और इस मंडी का आवाव देख सकते हैं कि मंडी में कितना अनाज आया है, कब आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हो। अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई मंडी एमपी कृषि उत्पादन के विपणन में उत्पादक कृषकों के हितों को सर्वोपरि रखने की राज्य शासन की नीति रही है। इस नीति को अपनाते हुए ही मध्य प्रदेश सरकार को इस जो है इनुगा एमपी पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसका लाभ राज्य के सभी किसान एवं व्यापारी उठा पाएंगे। ये पोर्टल प्रत्येक मंडी सेवा को ऑनलाइन मोड में प्रदान करता है, जिससे किसानों के समय तथा धन दोनों की बचत होती है। अब उपयोगकर्ताओं किसान घर बैठे ही मंडी में चलने वाले कार्य, जो भी मंडी में कार्य चल रहा है एवं मंडी के भाव इत्यादि जो है जानकारी घर बैठे ही देख सकते हैं। मध्य प्रदेश ई मंडी पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक हितधारक को बेहतर विनिमय की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा व्यापारी को नया लाइसेंस बनवाना हो, नवीनीकरण करवाना हो या कृषि उत्पादों का व्यापार हेतु पंजीयन करवाना हो, तो जो है आप इसके इस पोर्टल के माध्यम से आप ये सब काम कर सकते हैं, मुहैया कराएगा। पोर्टल का नाम मध्य प्रदेश ई मंडी पोर्टल आरंभ की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 में। लभ्यर्थी राज्य के सभी मंडी से जुड़े नागरिक प्रक्रिया ऑनलाइन कर सकते हैं। आप उद्देश्य मंडी से जुड़ी सभी सेवाओं का जो है डिजिटली तरीके से जो है लाभ ले सकते हैं। इनका लाभ किसानों को मंडी से जुड़ी सभी जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। श्रेणी मध्य प्रदेश सरकार योजना आधिकारिक वेबसाइट, इस पर जा सकते हैं आप eenugya.mp.gov.in पर, ठीक है। ई मंडी का उद्देश्य, ई मंडी का एमपी पोर्टल एक तरह का ऑनलाइन मंच है जो राज्य के सभी नागरिकों को मंडी से जुड़ी ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करता है। राज्य सरकार ने इस पोर्टल का आरंभ राज्य में रहने वाले मंडी से जुड़े नागरिकों जैसे किसान एवं व्यापारी को सहूलियत प्रदान करने हेतु किया। एमपी ई मंडी पोर्टल के माध्यम से किसान घर बैठे ही राज्य की सभी मंडियों के भाव देख पाएंगे। इससे वह अपनी फसल को सही दामों में बेच पाएंगे। ऐसे ही राज्य में रहने वाले व्यापारी भी फसलों के दामों का सही निरीक्षण कर पाएंगे ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। मध्य प्रदेश सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च करने के किसानों की मदद की है, इससे उनका काफ़ी समय बचेगा। ई मंडी एमपी की आधिकारिक वेबसाइट पर आकर कोई व्यापारी अपना पंजीयन करता है तो उसे मंडी अकाउंट नंबर जारी किया जाता है, जिसकी मदद से वह पोर्टल पर मौजूद सभी सेवाओं का आसानी से लाभ उठा सकते हैं। तो आपको पहले पंजीयन करना होगा व्यापारी के लिए भी, तो आपको मंडी नंबर दिया जाएगा और पासवर्ड, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश ई मंडी पोर्टल के माध्यम से होने वाले लाभ, तो ई मंडी एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को मिलने वाली सभी सुविधाएँ जो है लाभ इस प्रकार है। मध्य प्रदेश राज्य में रहने वाले सभी नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति वर्ग के हो, सब इस पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ई मंडी मध्य प्रदेश वेबसाइट पर किसान घर बैठे ऑनलाइन ही मंडी के भाव और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य में रहने वाले जो है व्यापारी इस पोर्टल पर लॉगिन करके उपलब्ध सुविधाएँ का लाभ ले सकते हैं। पोर्टल के लॉन्च के बाद मंडी से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन हो जाने से नागरिकों के समय एवं धन की बचत होगी। सभी किसान व्यापारी भाई एवं अन्य नागरिक भी घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से मंडी के भाव तथा अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं आपको वेबसाइट की ओर ले चलता हूँ, जो पोर्टल है थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊँगा, पंजीयन वगैरह क्या करना है कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट चलते हैं। तो दोस्तों ये जो है वेबसाइट है, ठीक है, आप यहाँ पे सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी ई मंडी का। देन उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, तो आप स्क्रॉल करोगे तो देखिए ये मूव नहीं हो रहा है, तो आप इसको है ना डेस्कटॉप मोड पे भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने डेस्कटॉप मोड पे कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे होम आ रहा है, मंडी लॉगिन आ रहा है, संभाग लॉगिन, तो ये अलग अलग लॉगिन आ रहा है, व्यापारी लॉगिन, ठीक है। उसके बाद आपको देखो नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे देखिए पंजीयन करके एक ऑप्शन आ रहा है, पंजीयन, व्यापारी पंजीयन के लिए वाहन की जानकारी खोजें, तो आप कहाँ पे व्यापारी जो है पंजीयन पे करना है आपको क्लिक, व्यापारी पंजीयन पे नहीं करना है आपको। जैसे आप पंजीयन पे क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पे पहुँच जाओ, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विवरण भोपाल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है 7 नंबर का जो है मंडी अकाउंट नंबर मिलेगा, तो वो आपको डाल देना है यहाँ पर, ठीक है।
देन उसके बाद आपको कैप्चा फिल करके और सबमिट कर दोगे, ओटीपी कर दोगे, सेंड कर दोगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अपन बैक टू होम में चलेंगे तो यहाँ पे बहुत कुछ आप देख सकते हैं, वाहन की जानकारी देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन इनका। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप मंडी का जो है भुगतान पत्रक अनुसार रिपोर्ट देख सकते हैं, मंडी फसल अनुसार देख सकते हैं कितना अनाज आया कितना नहीं आया यहाँ से। ठीक है, खोज सकते हैं। तो दोस्तों ये ई मंडी वेबसाइट है और आप यहाँ पे विजिट करके और अच्छे से जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कभी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।